नमस्कार श्रद्धालुओं, स्वागत है आपका लॉयन द स्पिरिचुअल सीक्रेट्स में। मैं शिप्रा आज इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि गायत्री मंत्र जीवन में क्या चमत्कार कर सकता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं कि गायत्री महामंत्र व्यक्ति के जीवन में क्या चमत्कार कर सकता है। श्रद्धालुओं, सबसे पहले हम गायत्री मंत्र के महत्व को समझते हैं, जिससे आपको पता लग सके कि इसमें कितनी अधिक शक्ति है। श्रद्धालुओं, शास्त्रों में जैसा कि बताया गया है कि गायत्री के समान चारों वेदों में कोई मंत्र नहीं है, इसका जप कभी निष्फल नहीं होता है। गायत्री मंत्र का महत्व। गायत्री भगवान का नारी रूप है। भगवान की माता के रूप में उपासना करने से दर्पण के प्रतिबिंब एवं कुएं की आवाज की तरह वे भी हमारे लिए उसी प्रकार प्रत्युत्तर देते हैं। गायत्री को भूलोक की कामधेनु कहा गया है। गायत्री को सुधा कहा गया है, क्योंकि यह मंत्र सच्चा अमृत प्रदान करने की शक्ति से परिपूर्ण है। गायत्री मंत्र को पारस मणि कहा गया है, क्योंकि उसके स्पर्श से लोहे के समान कलुषित अंतकरणों का शुद्ध स्वर्ण जैसा महत्वपूर्ण परिवर्तन हो जाता है। गायत्री मंत्र को कल्प वृक्ष कहा गया है, क्योंकि इसकी छाया में बैठकर मनुष्य उन सब कामनाओं को पूर्ण कर सकता है जो उसके लिए उचित एवं आवश्यक है। श्रद्धा पूर्वक गायत्री माता का आंचल पकड़ने का परिणाम सदा कल्याण परक होता है। गायत्री को बहस्त्र कहा गया है, क्योंकि कभी किसी की गायत्री साधना निष्फल नहीं जाती, इसका प्रयोग कभी भी व्यर्थ नहीं होता। गायत्री मंत्र ओम भूर भूर्वत स्वाहा तत्स वितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् को सबसे प्रभावी मंत्र माना जाता है। मान्यता है कि इसके जाप से सभी प्रकार के कार्यों में सिद्धि प्राप्त होती है। शास्त्रों में इस बात का उल्लेख मिलता है कि गायत्री वेद माता है और समस्त पापों का नाश करने की शक्ति इनमें समाहित है। गायत्री मंत्र को सबसे पहला मंत्र भी कहा जाता है। सभी धर्म ग्रंथों में मिलता है उल्लेख। गायत्री सर्वश्रेष्ठ एवं सर्वोत्तम मंत्र है। जो कार्य संसार में किसी अन्य मंत्र से हो सकता है, गायत्री से भी अवश्य हो सकता है। इस साधना को कोई भूल रहने पर भी किसी का अनिष्ट नहीं होता। इससे सरल श्रम साध्य और शीघ्र फलदायी साधना दूसरी नहीं है। समस्त धर्म ग्रंथों में गायत्री की महिमा एक स्वर में कही गई है। अर्थवेद में गायत्री को आयु, विद्या, संतान, कीर्ति और बहुतेज प्रदान करने वाली कहा गया है। विश्वामित्र ऋषि जी ने कहा है, गायत्री के समान चारों वेदों में मंत्र नहीं है। संपूर्ण वेद, यज्ञ, दान, तप गायत्री की एक कला के समान भी नहीं है। गायत्री मंत्र साधना के नियम। गायत्री साधना के नियम बहुत सरल हैं। स्नान आदि से शुद्ध होकर प्रातः काल पूर्व की ओर, सायंकाल पश्चिम की ओर मुंह करके आसन बिछाकर जप के लिए बैठना चाहिए। पास में जल का पात्र तथा धूप जलाकर रख लेनी चाहिए। जल और अग्नि को साक्षी रूपी में समीप रखकर जप करना उत्तम है। आरंभ में गायत्री के चित्र का पूजन, अभिवादन या ध्यान करना, पीछे जप इस प्रकार आरंभ करना चाहिए कि कंठ से ध्वनि होती रहे, होठ हिलते रहें, पर पास बैठा हुआ भी दूसरा मनुष्य उसे स्पष्ट रूप से न सुन न समझ सके। तर्जनी उंगली से माला का स्पर्श करना चाहिए। एक माला पूरी होने के बाद उसे उल्टा कर देना चाहिए। कम से कम 108 मंत्र नित्य जपना चाहिए। जब पूरा होने पर पास में रखे हुए जल को सूर्य के सामने अर्घ चढ़ा देना चाहिए। रविवार गायत्री माता का दिन है, उस दिन उपासना या हवन हो सके तो उत्तम रहता है। श्रद्धालुओं, अब हम जानते हैं कि गायत्री मंत्र जीवन में क्या चमत्कार कर सकता है। गायत्री मंत्र के 24 अक्षरों में अनेक ज्ञान विज्ञान छुपे हुए हैं। गायत्री साधना द्वारा आत्मा का शुद्ध स्वरूप प्रकट होता है और अनेक रिद्धि सिद्धियां
परिलक्षित होती रहती है। गायत्री उपासना से तुरंत आत्मबल बढ़ता है। गायत्री साधना एक बहुमूल्य दिव्य संपत्ति है। इस संपत्ति को एकत्रित करके साधक उसके बदले में सांसारिक सुख एवं आत्मिक आनंद भली प्रकार प्राप्त कर सकता है। गायत्री के 24 अक्षरों का गुत्थन ऐसा विचित्र एवं रहस्यमय है कि उसके उच्चारण मात्र से जीवा, कंठ, तालु एवं मूर्धा में अवस्थित नाड़ी तंतुओं का एक अद्भुत क्रम में संचालन होता है। इस प्रकार गायत्री के जप से अनायास ही एक महत्वपूर्ण योग साधना होने लगती है और उन गुप्त शक्ति केंद्रों के जागरण से आश्चर्यजनक लाभ मिलने लगता है। गायत्री मंत्र के चमत्कार विद्यार्थियों के लिए। गायत्री मंत्र का जप सभी के लिए उपयोगी है, किंतु विद्यार्थियों के लिए तो यह मंत्र बहुत ही लाभकारी है। रोजाना इस मंत्र का 108 बार जप करने से विद्यार्थियों को सभी प्रकार की विद्या प्राप्त करने में आसानी होती है। विद्यार्थियों को पढ़ने में मन नहीं लगना, याद किया हुआ भूल जाना, शीघ्रता से याद न होना आदि समस्याओं से निजात मिलती है। शत्रुओं पर विजय दिलाता है गायत्री मंत्र। यदि कोई व्यक्ति शत्रुओं के कारण परेशानी झेल रहा है तो उसे प्रतिदिन या विशेषकर मंगलवार, अमावस्या अथवा रविवार को लाल वस्त्र पहनकर माता दुर्गा का ध्यान करते हुए गायत्री मंत्र के आगे एवं पीछे क्लीम बीज मंत्र का 3 बार संपुट लगाकर 108 बार जाप करने से शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। मित्रों, मैं सद्भाव, परिवार में एकता एवं तथा न्यायालयों के कार्यों में विजय प्राप्त होती है। गायत्री मंत्र करता है आपके जीवन में सूर्य का आह्वान। गायत्री सूर्य भगवान के आह्वान का मंत्र है और जब उसका उच्चारण किया जाता है तभी जप करने वाले पर प्रकाश की एक बड़ी लपक स्थूल सूर्य में से पड़ती है। प्रार्थना के समय चाहे सूर्योदय हो रहा हो, चाहे मध्या का समय हो रहा हो, चाहे संध्या का समय अस्त हो रहा हो, चाहे मध्य रात्रि का समय हो, सूर्य की लपक सूक्ष्म रूप से जप करने वाले पर अवश्य पड़ती है। रात्रि के समय तो वह लपक पृथ्वी को भेद कराती है। यह प्रकाश श्वेत वर्ण का सुनहरापन लिए हुए होता है। जब उसके द्वारा जप करने वाले का हृदय भर उठता है तब उसमें से इंद्रा कैसे 7 रंग बाहर निकालता है और जो कोई करने वाले के सम्मुख होता है उस पर शुभ प्रभाव डालता है। गायत्री मंत्र के विधि विधान और उच्चारण आदि के विषय में अब भी अनेक व्यक्तियों को पर्याप्त ज्ञान है, इसलिए अगर हम प्रयत्न करें तो उसके अनेक प्रकार के लाभ उठा सकते हैं। श्रद्धालुओं, मुझे आशा है कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को दबाना ना भूलें जिससे कि गायत्री माता के जुड़े सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जानकारी अपने मित्रों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो पर कमेंट करें। धन्यवाद।